नमस्कार दोस्तों परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं जैसा कि आज चौदह सितंबर है तो आज के दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है तो हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत बधाई और हम भले ही हमारी भाषा एक हो लेकिन राष्ट्र के हित में जो कार्य किया जाए वही सबसे बड़ा योगदान होता है तो हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई फिर से तो चलिए शुरू करते हैं आज के सीशन तो आज की जो क्लास हमारी यहाँ पे चलेगी कार्य एवं समय यानी टाइम एंड वर्क के आज के प्रश्न चलेंगे तो आज के प्रश्न ऐसे चलेंगे कि आप लोग मात्र पाँच मिनट में सीख जाएंगे किस प्रकार से टाइम एंड वर्क के प्रश्न हम लोग कर सकते हैं तो जल्दी से सभी लोग आ जाइए एक बार शेयर कर दीजिए सभी लोग क्योंकि प्रश्न शुरू होने वाले हैं थोड़ा हम बेसिक जानेंगे फिर इसके बाद क्या करेंगे अपने प्रश्नों पे आगे बढ़ेंगे ठीक है तो बेसिक आज हम ना जान के क्या करेंगे केवल व केवल ट्रिक के माध्यम से आगे बढ़ेंगे तो जितने भी प्रश्न आ जाएंगे सभी लोग नोट बनाते चलिएगा और सॉल्व करने का प्रयास करिएगा ठीक है तो चलिए जल्दी से आ जाइए सभी लोग और जो लोग नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से क्या करिए सब्सक्राइब करिए परमा एजुकेशन चैनल को ठीक है परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए ताकि जैसे ही लाइव आया जाए आप लोगों के पास तुरंत एक घंटे घंटा आइकन पहुंच जाए ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं और शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में एक बार शेयर करिए सभी लोग तो जल्दी से शेयर करिए और जो लोग लाइव आ चुके हैं एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग लाइक करिए जल्दी से और शेयर कर दीजिए और भी लोग जुड़ जाएं क्योंकि जितने लोग रहते हैं उतने अच्छे से मन लगता है पढ़ने में ताकि प्रश्न जब आप लोगों कमेंट आते रहते हैं जल्दी जल्दी तो प्रश्न को बताने में भी बड़ा मज़ा आता है तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली प्रश्न लेकिन बेसिक थोड़ा सा जान लें कभी भी किसी कार्य को करने से पहले उसके बेस को जानना जरूरी है तभी आप ट्रिक के माध्यम से उसे कर सकते हैं तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ए किसी काम को पंद्रह दिन में तथा बी उसी काम को दस दिन में पूरा करता है तो दोनों मिलकर यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे तो पहले हम बेस जानेंगे फिर इसके बाद क्या करेंगे इस ट्रिक को माध्यम से ट्रिक जो हमारा आज का है उसे अपनाएंगे तो पहले अगर मान लीजिए दो व्यक्ति हैं ठीक है ए और बी दिया है हम किसी व्यक्ति को रख रहे, रहे हैं तो एक मान लीजिए कोई राम है ठीक है और कोई क्या है श्याम है ठीक है श्याम है तो मान लीजिए राम जो है किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है पाँच दिन में कर रहा है ठीक है और श्याम किसी काम को कितने दिन में कर रहा है दस दिन में कर रहा है ठीक है तो पहले हम सर्वप्रथम क्या करेंगे इन दोनों के एक दिन का कार्य निकालेंगे ठीक है एक दिन का कार्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसमें भाग दे देंगे किससे एक बट्टे पाँच ये हो गया राम का कार्य और एक बट्टे कितना है हमारा दस ये क्या है शाम का काम है ठीक है तो इन दोनों का पहले हम लसा लेंगे ठीक है तो इन दोनों का लसा आएगा कितना आएगा पंद्रह आएगा ठीक है पंद्रह आएगा तो देखिए दोनों कितने से कर कट रहे हैं ये दोनों पंद्रह कितने से कट रहे हैं तो दस दस तो कट नहीं रहा है ठीक है पाँच तीन या पंद्रह होगा तो इन दोनों का जितना आएगा अंक उतना ही उसका कार्य होगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने आज के बिना समय गवाए हुए अपने ट्रिक की ओर ठीक है तो यहाँ पे क्या कर रहा है जरा देखिए एक बार शेयर कर दीजिए सभी लोग अपने अपने ग्रुपों में कह रहा है कि ए किसी काम को पंद्रह दिन में करता है और बी उसी काम को दस दिन में करता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे तो चलिए देखते हैं कितने दिन में करेंगे तो यहां पे देखिए हमारा कह रहा है कि ए पहले हमें ए का कार्य निकालेंगे फिर इसके बाद बी का कार्य निकालेंगे तो ए कितने दिन में कर रहा है पंद्रह दिन में कर रहा है किसी कार्य को और बी कितने दिन में कर रहा है यहाँ पे दस दिन में कार्य कर रहा है तो हम क्या करेंगे पंद्रह और दस का पहले एलसीएम लेंगे इन दोनों का एलसीएम हमारा कितना आएगा तीस आएगा याद रखिएगा कितना आएगा तीस आएगा एल्सियम का मतलब होता है कि वह छोटी से छोटी इकाई जिससे दोनों भाग चले जाएँ दोनों के भाग चले जाएँ तो सबसे छोटा तो हमारा क्या है तीस आ रहा है इनका तो देखिए पंद्रह जा रहा है भाग क्या पंद्रह दुना के तीस ठीक है और दसिया के तीस तो ये जो हमारा तीस है याद रखिएगा ये क्या है कुल कार्य है और ये दो जो आया है ये एक का कार्य है और ये तीन जो है एक दिन का बी का कार्य है ठीक है याद रखिएगा ये बी का कार्य है तो हम क्या करेंगे ठीक है क्या करेंगे ए और बी का एक दिन का कार्य हमारा कितना हो रहा है याद रखिएगा ए और बी का एक दिन का कार्य हमारा कितना हो रहा है तो हमारा दो प्लस तीन यानी पाँच हो रहा है याद रखिएगा पाँच हो रहा है एक दिन का कार्य तो एक दिन का कार्य पाँच हो रहा है तो हमारा ये कुल समय है जो तो हमारा कुल समय कितना है तीस है ठीक है और पाँच है तो पाँच छ का कितना हुआ हमारा तीस तो देखिए ऑप्शन में कौन सा आया है तीस ऑप्शन में कौन तीस आया है तो यहाँ पर देखिए कौन सा आया है पहला आया है दूसरा है तीसरा या फिर चौथा तो हमारा राइट आंसर किसके साथ जाएगा यहाँ पे दूसरे के दिन आएगा छह दिन में कार्य करेंगे अगर समझ में ना आया हो तो एक बार फिर से बता दे रहे हैं आप लोगों को क्योंकि समझना सबसे पहले जरूरी है फिर इसके बाद प्रश्नों पे आगे बढ़ेंगे तो हमारा देखिए ए का कार्य और बी का कार्य ए का कार्य हमारा कितना था पंद्रह था और बी का कार्य दस था तो इन दोनों का एलसीएम आपने लिया तो तीस हुआ तो देखिए तीस कितने बार से जा रहा है दस से तो दस तीन तीस हो गया पंद्रह तीस हो गया तो हमारा एक दिन का कार्य एक का दो है और बी का कार्य कितना है हमारा तीन है तो बोला है दोनों, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे तो दोनों का एक दिन का कार्य पाँच हो रहा है और कुल काम का वर्क जो है तीस है तो कुल कितने दिन में कर लेंगे तो तीस बटा के पाँच करेंगे तो पाँच छका के तीस आ जाएगा राइट आंसर हमारा किसके साथ आ जाएगा छः के आ जाएगा तो उत्तर हमारा प्राप्त हुआ कितना छः दिन छः दिन में दोनों मिलकर क्या करेंगे कार्य को पूरा कर लेंगे तो राइट आंसर हमारा जाएगा छः के जितने लोगों का छः आया एकदम राइट आंसर है देखिए मोबाइल हाथ में न लिए हैं इसलिए आप लोग कमेंट नहीं देख पाएंगे तो आप लोग कमेंट करते चलिएगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सभी लोगों को हिंदी दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई फिर से कर रहे हैं ठीक है चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर दूसरा प्रश्न भी उसी तरीके से हम लोग करेंगे जिस तरीके से पहला किए हैं तो चलिए देखते हैं कितने लोगों का ये सही होता है और सबसे पहले ये प्रश्न का उत्तर कितने लोगों का आता है तो क्या कह रहा है हमारा देखिए वही तरीका अपनाएंगे जिस तरीके से अपनाया था हमने पहला प्रश्न के लिए तो हमारा क्या है ए का कार्य कितना है कह रहा है कि ए किसी काम को सात दिन में कर रहा है मान लीजिए सात दिन में कर रहा है कह रहा है बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है बी उसी काम को इक्कीस दिन में कर रहा है याद रखिएगा पूरा कर लेता है तो दोनों मिलकर दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे तो हम इसका एलसीएम लेंगे दोनों का तो कितना आएगा सात तरीके इक्कीस तो इस इक्कीस हमारा क्या आएगा दोनों का हमारा लघुत्तम आएगा यानी एलसीएम आएगा लेने पर हमारा इक्कीस आएगा तो देखिए कितने से कर रहा है सात तरीके इक्कीस एक दिन का कार्य निकालेंगे हम लोग पहले ए का तो तीन दिन एक एक दिन में तीन काम कर रहा है और बी कितने कर रहा है एक काम कर रहा है ठीक है कितना कार्य कर रहा है एक काम कर रहा है ठीक है बी एक काम कर रहा है और जो ए है वो क्या कर रहा है तीन काम कर रहा है तो कर रहा है दोनों मिलकर कितने कार्य करेंगे तो तीन प्लस कितना हुआ हमारा तीन है ठीक है तीन प्लस एक है कितना हुआ चार काम हो गया और इक्कीस हमारा कुल काम है तो हमें कुछ नहीं करना है बस क्या करना है इक्कीस बटा के क्या करना है चार कर देना है ठीक है दोनों मिल के कार्य कर रहे हैं तो दोनों मिल के कितना दिन के कार्य करेंगे यहाँ पे इक्कीस बटे के कितना हुआ चार अगर इसको हम काटेंगे ठीक है अगर काटेंगे चार इकाइएम चार चार पच्ची बीस चार इकाइम चार हो गया चार पच्ची बीस चार पच्ची बीस तो यहाँ हमारा कार्य जो प्राप्त हो रहा है कितना प्राप्त हो रहा है पांच सही एक बटे चार जी हाँ उत्तर हमारा प्राप्त हो रहा है कितना प्राप्त हो रहा प्राप्त हो रहा है हमारा पांच सही एक बटा चार देखिए ऑप्शन में कौन से है हमारा पे सही पहला है क्या दूसरा तीसरा चौथा जी राइट आंसर जो जाएगा जाएगा हमारा किसके साथ पे तीसरे के साथ जाएगा पांच सही एक बटे चार ये हमारा राइट आंसर है इसको भी एक बार आप लोगों को बता दे रहे हैं सभी प्रश्नों को दो दो बार बताते चलेंगे ताकि आप लोग भूलें ना कि कहा से क्या हो गया है ठीक है तो यहाँ पे हमारा एक दिन का कार्य कितना था एक ए का कार्य निकाले एक एक दिन में कितना कार्य कर रहा है सात बी कितना कार्य कर रहा है एक दिन में ठीक है बी उसी काम को एक दिन में सॉरी बी उसी काम को कितना कर रहा है एक दिन इक्कीस का इक्कीस दिन में कर रहा है पूरा तो दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा इक्कीस आएगा ठीक है तो इन दोनों का काटिए देखिए कितने से कट रहा है दोनों ठीक है दोनों का भाग चला जाए इक्कीस में तो इक्कीस इकाई में इक्कीस सात तरीके कितना हुआ इक्कीस तो सात जो ए है Osionfish. वो क्या कर रहा है एक दिन में तीन कार्य कर रहा है ठीक है एक दिन है। ये देखिए इक्कीस ये जो है ये पूरा काम है और बी का कार्य जो एक दिन का है एक है और ए का कार्य जो है एक दिन का कितना है तीन है तो एक दिन में ए कितना कार्य कर रहा है तीन काम कर रहा है दोनों मिलकर बात किया है तो प्लस होगा और बी का कितना कार्य कर रहा है एक दिन में एक तो दोनों का मिला के कितना हुआ एक दिन में चार कार्य कर रहे हैं तो कह रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे तो कुल काम हमारा कितना था यहाँ पे इक्कीस था है तो क्या करेंगे इक्कीस बटे के चार करेंगे तो यहां पे चार इकाईम चार चार पच्चीस बीस ठीक है तो हमारा जो आंसर आएगा यहां पे कितने का आएगा यहां पे चार पांच सही चार बटे के पाँच सही चार बटे पाँच सही एक बटे के चार आएगा तो ऑप्शन में देखिए कौन सा है हमारा तो ऑप्शन में यहाँ पे तीसरा है तो राइट आंसर हमारा कौन सा जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा तो चलिए एक बार कमेंट कर दीजिए सभी लोग लाइक का थंप मार दीजिए एक बार कमेंट में ताकि हमारा भी हौसला बना रहे तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न ये गलती से आ गया है यहाँ पे दो टाइप हो गया है ठीक है यहाँ पे तीसरा काम रहेगा ठीक है तीसरा प्रश्न चल रहा है तो तीसरा देखिए हमारा क्या कर रहा है कि ए तथा बी किसी काम को क्या कर रहा है देखिए बहुत ही ध्यान से पढ़िए ये थोड़ा सा हट के प्रश्न है क्या कर रहा है देखिए ए तथा बी किसी काम को बीस दिन में करते हैं कोई काम है ए जो है उसे ए उसे बीस दिन में करता है और बी उसे कितने दिन में करता है चालीस दिन में पूरा कर, कर कर रहा है ठीक है तो यदि दोनों मिलकर साथ काम कर रहे हैं तो कितने दिनों में पूरा कर लेंगे मतलब कह रहा है कि कोई कार्य है जिसे ए क्या कर रहा है बीस दिन में कर रहा है और बी क्या कर रहा है चालीस दिन में कर रहे हैं तो अगर साथ मिलकर कार्य करें याद रखिएगा साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं तब भी बीस दिन और चालीस दिन में कर रहे हैं ठीक है साथ मिलकर करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा तो वो दोनों कार्य जो है कितने दिन में पूरा हो जाएगा तो यहां पे चलिए ए का निकाल लेते हैं पहले ठीक है तो ऑप्शन में पहले देख लीजिए कितना दिया है ठीक है ऑप्शन में क्या दिया है तो ऑप्शन में हमारा दिया है पहला बारह दिन दूसरा तेरह से ही एक बटा तीन दिन और तीसरा कर रहा है पांच सही एक बटा चार दिन और चौथा कह रहा है हमारा दस दिन तो जल्दी से कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं आज के इसको लगाने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से लगेगा ये तो यहां पर दिया

तो दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं तो दो प्लस कितना हुआ एक हुआ बराबर तीन ठीक है हमारा कितना आ रहा है तीन आ रहा है ठीक है दोनों मिल के कार्य रहे हैं तीन तो कर रहा है कि साथ मिलकर कार्य करेंगे तो कितने दिन में काम करेंगे ठीक है तो साथ मिल के करें पूरा काम कितने दिन में खत्म करेंगे तो हमारा कितना आया ये पूरा कुल काम हमारा कितना है चालीस है ठीक है और एक दिन का ये कार्य है ठीक है दो और बी का कार्य है यहाँ पे एक ठीक है तो हमारा तीन कार्य आ रहा है दोनों मिलकर तीन दिन तीन काम कर रहे हैं एक दिन में तो साथ मिलकर कितना करेंगे तो हमारा चालीस है ठीक है चालीस कुल काम है और बटे के तीन दोनों मिल कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर काटेंगे ठीक है अगर काटेंगे हम तो कितना होगा तीन एकाइम तीन हमारा कितना आएगा तीन ए कायम तीन सही है तीन तरीके नौ तीन तरीके नौ तेरह सहित एक बटा तीन याद रखिएगा कितना आएगा हमारा अगर काटेंगे इसको तो अगर इसको काट रहे हैं तो हमारा आएगा तेरह तेरह सही एक बटा के तीन ये हमारा आंसर रहेगा अगर आप लोगों को ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे काट रहे हैं तो आप क्या करिए यहाँ पे चालीस में कितने से भाग दे दीजिए तीन से भाग दे दीजिए तीन एकाइम कितना हुआ तीन हो गया एक बच गया और यहाँ पे जीरो आ गया ठीक है तीन तरीक़ का कितना हुआ नौ हो गया ठीक है तीन तरीक का नौ बचा कितना एक तो हमारा कितना आएगा एक सही तेरह सही एक बटा के तीन आएगा तो यही हमारा राइट आंसर होगा तो हमारा राइट आंसर देखिए कौन से ऑप्शन में आ रहा है तेरह सही एक बटा के तीन तो देखिए आ रहा है हमारा कितने में दूसरे में आ रहा है चलिए इस काम को फिर से हम लोग कर रहे हैं कि किस प्रकार से आया है बहुत ही आसान तरीके है कुछ नहीं करना है एक कार्य कितना है बीस है बी का कार्य कितना है हमारा चालीस है इन दोनों का अगर लसन लेंगे तो हमारा कितना आएगा चालीस आएगा ठीक है बीस एक दिन में कितना कार्य कर रहा है बीस दुना के चालीस दो कार्य कर रहा है चालीस बी एक दिन में कितना कार्य है कि चार चार यानी एक कर रहा है तो दोनों साथ मिलकर कितना कार्य कर रहे हैं यहाँ पे तीन काम कर रहे हैं ठीक है ठीके? दोनों साथ में मिलकर तीन काम कर रहे हैं और ये हमारा कुल काम है ठीक है ये हमारा कुल काम है तो कुल काम में हम क्या करेंगे दोनों जितने कार्य किए हैं एक दिन में उसको क्या करेंगे भाग दे देंगे ठीक है तो क्या करेंगे चालीस बटे के तीन करेंगे अब चालीस में तीन का आप भाग दे दीजिए तीन कायम तीन ठीक है बचा एक जीरो उतर गया आप नौ उतर गया यहाँ पे तीन तरीक के न हो गया और बचा एक शेष बचा शेष एक बचा तो एक सही इसको काटेंगे तो एक यहाँ पे तेरह सही एक बटे के तीन ठीक है तेरह सही एक बटे की तीन आएगा हमारा आंसर, तो ऑप्शन में देखिए कौन से है हमारा तेरह सही एक बटा के तीन तो राइट आंसर जाएगा किसके साथ दूसरे के साथ जाएगा ठीक है दूसरे के साथ जाएगा जितना कुल काम आ रहा है लसन लेने पर उन दोनों के ए और बी के जो हम भाग देंगे जितना प्राप्त होगा उसमें क्या करेंगे हम लोग भाग दे देंगे और हमारी संख्या प्राप्त होगी अब थोड़ा सा कठिन आने वाला है क्योंकि अब आप लोगों को थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा क्योंकि हर एक प्रश्न एक जैसा नहीं होता है तो तीसरा चौथा हमारा प्रश्न देख लेते हैं कितना हमारा कैसे लगेगा क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है कर है कि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः बीस दिनों तथा चालीस दिनों में कर सकते हैं देखिए प्रश्न वही है लेकिन थोड़ा सा हट के क्या रहा है बीस और चालीस दिन में कर सकते हैं दोनों मिलकर चार दिनों तक काम करते हैं देखिए चार दिन तक काम भी किए हैं तो कितना काम बच गया है यानी ए किसी काम को क्या यहां पे दिया है ए क्या किया है बीस सॉरी यहां पे जी यहां पे देखिए ए जो है एक दिन में कितना कर रहा है बीस और बी जो है कितना कर रहा है यहां पे चालीस ठीक है बीस और चालीस इन दोनों का कार्य है 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 ठीक और 40 इन दोनों का कार्य अगर हम इसको लेंगे, एल्सियम लेंगे इन दोनों का बीस और चालीस का तो हमारा कितना प्राप्त होगा का? कुल काम कितना प्राप्त होगा हमारा यहाँ पे चालीस ठीक है कितना प्राप्त हो रहा है चालीस हो रहा है ठीक है जी हाँ चालीस प्राप्त हो रहा है एल्सियम लेने पर ठीक है अगर बीस का एक दिन का कार्य दिया देखा जाए तो चालीस में बीस से भाग दे दीजिए कितनी बार जाएगा दो बार जाएगा और बीस बीस का बी का अगर देख ले देखा जाए कि एक दिन में कितने कार्य कर रहे हैं तो एक काम कर रहे हैं तो दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं एक दिन में याद रखिएगा ये देखिए जो है ये चालीस जो है आपने ये लिया है ये इनका कुल काम है ठीक है कुल काम है तो यहां पर दो प्लस याद रखिएगा दो प्लस एक ये इनका एक दिन का कार्य है ठीक है तीन याद रखिएगा एक दिन का कार्य तो चार दिन इन लोगों ने काम कर लिया है ठीक है क्या किया है चार दिन काम कर लिया है तो एक चार दिन काम किया है वो और एक दिन ये तो क्या करेंगे हम लोग तीन गुड़े चार ठीक है तीन गुड़े चार करेंगे तीन गुड़े चार करेंगे तो हमारा आएगा बारह याद रखिएगा कितना आएगा बारह काम कर रहे हैं ये ठीक है तीन काम कर लिए हैं और चार काम पहले कर लिए हैं तो चार तीन या बारह दोनों का मिला के कुल काम हो गया बारह ठीक है अब क्या करेंगे ए प्लस बी ए प्लस बी यानी ए और बी ने कितना काम किया है मिल के बारह यानी ए और प्लस बी इन दोनों ने मिल के टोटल काम कितना किया है बारह किया है टोटल काम और अब पूछ रहा है कि शेष काम कितना बचा है ठीक है तो हमारा कुल काम कितना था चालीस और बचा कितना किए कितने हैं यहाँ पर बारह और बारह काम किए हैं तो हमारा बचा कितना बचा कितना हमारा जल्दी से बताइए यहाँ पे अट्ठाइस काम बचा कितना काम बचा अट्ठाइस तो अब हम क्या करेंगे याद रखिएगा अब हम क्या करेंगे यहां पे चालीस में क्या करेंगे अट्ठाईस से भाग दे देंगे ठीक है चालीस में अट्ठाइस से भाग दे देंगे तो सात चौक अट्ठाईस और दस चौ के चालीस सात चौ के अट्ठाईस दस चौ के चालीस अगर हम इसको काट देंगे कटेगा नहीं हमारा तो आंसर आ रहा है हमारा कितना सात बटे के दस तो ऑप्शन में देखिए कौन से है पहले में है तो पहला हमारा राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा पहले के साथ जाएगा कुछ ना करना है बहुत ही आसान तरीका है एकदम आप लोग समझते चलिए बेस्ट तरीके से और चलिए इसको भी एक बार फिर से लगा लेते हैं क्योंकि हर एक प्रश्न को समझना बहुत ही जरूरी है तो ए का कार्य हमारा कितना था बीस था बी का कार्य कितना था चालीस था इन दोनों का एलसीएम लिया आपने चालीस आ गया तो बीस एक दिन में कितना कार्य कर रहा है दो कार्य कर रहा है और बी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है एक कार्य कर रहा है तो दोनों मिल दोनों का मिल एक दिन का कार्य कितना हुआ तीन हो गया याद रखिएगा तीन हो गया दोनों का और चार दिन पहले इन लोगों ने काम कर लिया है ठीक है चार दिन पहले इन लोगों ने काम कर लिया तीन एक हुआ तो हम क्या करेंगे तीन गुड़े चार यानी कुल काम इन्होंने कितना किया है बारह काम ठीक है बारह काम इन लोगों ने कर लिया है अब पूछ रहा है कि कितना काम बचा है ठीक है कितना काम बचा है तो हम क्या करेंगे ये जो कुल काम है इनका ये जो कुल काम आपने एल निकाला है इसमें क्या करेंगे बारह घटा देंगे ठीक है तो कुल काम इनका चालीस था और बारह काम कर लिया है तो बचा हमारा कितना अट्ठाइस तो अब क्या करेंगे पूछ रहा है कितना काम बच गया है ठीक है इन दोनों का काम निकालने के लिए क्या करेंगे चालीस में अट्ठाईस से भाग दे देंगे तो सात चौक अट्ठाईस 20... एक मिनट ठीक है एक मिनट हाँ सात चौक अट्ठाईस और दस चौक का चालीस ठीक है मिनट अट्ठाइस बटे के चालीस तो दस चौक के चालीस हो गया सात चौक अट्ठाईस तो हमारा कितना आएगा सात बटे के दस यही आपका ऑप्शन है ठीक है यही आपका ऑप्शन देखिए कौन से है तो पहले में है ठीक है तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा पहले के साथ जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर जो कि आप लोगों के लिए रखा गया है और इसका आंसर आप लोग ही देंगे ठीक है इसका आंसर आप लोग ही देंगे अरे तो चलिए हम ही पूरा कर देते हैं क्योंकि समझना बहुत ही ज़रूरी है आप लोग भी करिएगा इसका आंसर देखते हैं कितने लोगों का आता है और एक बार फिर कहेंगे हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई क्योंकि चौदह सितंबर के दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं इस पाँचवें प्रश्न को तो पांचवा प्रश्न क्या कर रहा है जरा देखिए तो ए किसी कार्य को क्या कर रहा है बारह दिन में करता है और बी किसी कार्य को कितना दिन में करता है अट्ठारह दिन में कर रहा है ठीक है बी अट्ठारह दिन में कर रहा है और ए कितने दिन में कर रहा है बारह दिन में ठीक है अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे हमारा तो कितना आएगा हमारा छत्तीस आएगा कि नहीं एलसीएम लेंगे छत्तीस आएगा कि नहीं छत्तीस आएगा ठीक है ये इनका कुल काम होगा ठीक है ये इनका कुल काम हो गया और यहाँ पे देखिए बारह चौ के कितना था बारह तीन या छत्तीस याद रखिएगा यानी बात जो ए ने एक दिन में काम कितना किया है तीन काम किया है और बी ने कितना काम किया है अट्ठारह दो नत्तीस तो ये बी का कुल काम हो गया याद रखिएगा ये क्या है कुल काम है किसका बी का एक दिन का ठीक है और ये क्या है ये क्या है बी का ठीक है बी का क्या है कुल काम है कुल काम है कितने का एक दिन का तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है हमारा इन दोनों का कितना आया है हमारा एक और दो आया है ठीक है तीन और दो आया है तो इसने कहा है कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे बी छोड़ दे रहा है काम को याद रखिएगा दो दिन बाद बी काम को छोड़ दे रहा है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए ए द्वारा किया गया काम ठीक है पहले हमें ए द्वारा किया गया काम हम निकालेंगे तो ए ने कितना काम किया है ठीक है ए ने कितना काम किया है तीन तो हम क्या करेंगे तीन दोनों मिल के कितना काम किए थे पहले तो छ काम किए थे तो ये हो गया अब शेष काम कितना बचा है छ देखिए बी ए ने कितना काम किया था छ काम किया था और बच गया दो दिन बाद छोड़ दिया तो बी ने कित बी ने काम छोड़ दिया दो दिन बाद तो दो दिन का काम ए ने किया था छ दोनों मिल के तो छो हो गया हमारा बच गया और छत्तीस में से क्या करेंगे जो कुल काम है उसमें से क्या करेंगे छत्तीस में से घटा देंगे तो बचेगा हमारा कितना तीस बचेगा याद रखिएगा तीस बचेगा तो पूछा है कि बी ने दो दिन बाद दो दिन बाद काम छोड़ दिया तो बी का पूछा है हमें तो क्या करेंगे तीस बटे के दो तो राइट आंसर हमारा कितना आएगा पंद्रह आएगा कितना आएगा पंद्रह आएगा तो ऑप्शन तो में देखिए पंद्रह कहाँ पर है तो देखिए पंद्रह पहला दूसरा तीसरा पहला सही है दूसरा तीसरा चौथा देखिए चौथा हमारा राइट आंसर जाएगा ठीक है किसके साथ जाएगा चौथा के साथ जाएगा चौथा हमारा राइट आंसर होगा तो बता दें कि जो लोग नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से क्या करिए परमा एजुकेशन चैनल को क्या करिए परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सॉरी जल्दी से क्या करिए सभी लोग परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी से और जो लोग नए अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करिए सब्सक्राइब करिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबाएं और शेयर तो कर दीजिएगा जिनको भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है याद रखिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप इस पर मैसेज कर सकते हैं जुड़ने के लिए क्योंकि पीडीएफ डी एफ वहाँ पर मिल जाती है आप लोगों को सबसे पहले और जो लोग टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर भी परमा एजुकेशन चैनल के नाम से सर्च कर करिए परमा एजुकेशन चैनल ठीक है वहाँ पर आपको मिलेंगे लगभग दो हज़ार से ऊपर पी फाइल मिलेंगे टेट सी टेट सुपर टेट के तो चलिए बता दें कि इसके उत्तर नीचे दिए गए हैं जल्दी ही आप लोगों को मिल जाएंगे तो आज का दिन आप लोगों का शुभ हिंदी दिवस के अवसर पर और सबसे मीठे भाव से बोलते रहिए ठीक है ठीके? और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करते चलिएगा ठीक है और जल्द ही दूसरी क्लास चलेगी तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद